अलू किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्र स्पेशल आलू चाट, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, सभी के घर में नवव्रत भी चल रहे होंगे, तो आज हम बनाएंगे आलू की चाट। आइए कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आलू चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉइल्ड आलू लेने हैं और हमें इसके अंदर चटनी बना के उसको मिक्स करना है। उसके लिए हमें चाहिए धनिया, अदरक, हरी मिर्च, दही, कुछ मूंगफली के दाने, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, चाट मसाला और नमक। चाट मसाला ऑप्शनल है, वैसे ही व्रत में खाया जाता है, अगर कई लोग नहीं खाते तो आप इसको मत डालिए। आइए अब हम इसको सबसे पहले इसकी चटनी बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो मूंगफली के दाने हैं इनको पीस लेंगे। उसके बाद धनिया, हरी मिर्च और अदरक को डाल के पीस लेंगे। चाट मसाला की जगह काला नमक भी यूज कर सकते हैं और भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, सब हमने इसी चटनी के अंदर ऐड कर देना है। अब हम इसको थोड़ी देर और चला देंगे। फ्रेंड्स, हमारी हरी चटनी बनके तैयार है। अब जो हमारे बॉइल्ड आलू हैं इनको हमने इस साइज के अंदर कट कर लेना है। इस तरह से सभी आलूओं को हमने ऐसे ही कट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने आलू को इस साइज में काट दिया है। अब हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पैन को गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर घी डालेंगे। कई लोग व्रतों में कोई रिफाइंड ऑयल नहीं खाते हैं, आप मूंगफली का रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा देसी घी यूज किया है। बिल्कुल घी से हो जाए। अब हम इसके ऊपर जो भी हमारे आलू हैं उनको डाल। बस इसको ऐसे हल्का सा चलाते हुए इसे शैलो फ्राई करना है। देखिए, हमारे जो आलू हैं वो शैलो फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमारे आलू जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने चटनी बनाई थी। अब हम इनको इस आलू के अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। बस अब हम इसको एक बाउल के अंदर सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी आलू चाट बनके रेडी है। इसको आप बना के जरूर देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।